कि अगर तू ऑनलाइन गेम खेलेगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, फिर भी आपकी इच्छा होती है आप छुप के खेलते हो। कभी ऐसा किया है? आपके घर वाले कहते हैं आप बुक बंद करके सो जाओ बेटा और आप खोल के पढ़ते हो, हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? रीजन ऐसा हुआ है, घर वाले कहते हैं आज घर कैसे हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कहो नहीं मुझे तो स्कूल जाना है, आज संडे है कोई बात नहीं मुझे जाना है। ऐसे हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हुआ है। तो इच्छा शक्ति प्रेरणा, यस रामनिवास मेरा प्रिय स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा है। रामनिवास की जिज्ञासा थी, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैं नहीं दे पाई। तो रामनिवास आपके क्वेश्चन के जवाब जो हैं, कल संडे मैं लाइव क्लास में रहूंगी, तब अपने एक ऐसा सेशन रखेंगे कि 10 या 15 मिनट का टाइम अपने रखेंगे कि क्वेश्चनों का मैं आपके आंसर दे पाऊँ। देखिए बेटा, इच्छा शक्ति और जिज्ञासा के बिना जो है हम कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज़ की है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिना इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है हर चीज़ को समय पे करना, और सबसे बड़ी जो है लगन और मेहनत, कि लगन के बिना मेहनत नहीं होगी। प्यास लगी है पर आपकी इच्छा नहीं है कि रजाई में से उठ के पानी पियो, तो क्या करोगे? सो जाओगे। फिर रात को सपन में क्या दिखाई देगा? पानी पानी, कहीं पानी में डूब रहे हो, कहीं कुआं दिखाई देगा, कहीं बाढ़ आई हुई दिखाई देगी। हकीकत है नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैं जो भी बात कहती हूँ वो दावे के साथ कहती हूँ, बिना प्रैक्टिकल किए हुए नहीं कहती। इसलिए अधिगम को आपकी जिज्ञासा के साथ साथ लगन भी, मेहनत भी प्रभावित करती है। इसमें कि रुचि, कि आपकी रुचि है या नहीं है, इंटरेस्ट कितना है हर चीज़ के लिए, जिस क्षेत्र विशेष में आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आपको बेस्ट करने का करता है। कोई भी काम है, अगर मैंने कह दिया मन मार के करोगे, घर वालों ने कह दिया मन मार के करोगे, पर वो आनंद नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भले ही रात को आपको कह दिया जाए कि ये बाइक लेके ये काम करके आना है, मदर कहेगी सब्जी लेके आना है, आप 100 बहाने बनाओगे कि नहीं नहीं जा सकते। कोई प्रॉब्लम है? 2 मिनट और ले सकती हूँ? तो इतने में अपना टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नेटवर्क की वजह से अपने डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए मैं आपके 2 या 4 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़रूरी है, बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी कार्य को करने में, आपका इंटरेस्ट है डायग्राम बनाने को तो आप मन लगा के बना सकते हो, नहीं है तो केवल खाना पूर्ति करोगे। इंटरेस्ट है आपका खाना बनाने में तो आप लाजवाब सब्जी बनाओगे, लाजवाब अलग अलग व्यंजन बनाओगे। आपका इंटरेस्ट है कि समोसा बनाने में, नहीं है तो खाने में, बनाने में नहीं है तो खाने में तो होता ही है, तो सीधा क्या करेंगे कि आज भूख लगी है हम समोसे वाले पे जाके रुकेंगे। तो ये इंटरेस्ट जो है हमें प्रभावित करता है अधिगम को, बिना इंटरेस्ट के जो है वो अधिगम नहीं है। तो अधिगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? समायोजन की प्रक्रिया, ये वुडवर्थ ने भी दी है, स्किनर ने भी दी है, वाटसन ने भी दी है। सबसे अधिक जो है वो क्या है? समायोजन एडजस्टमेंट। इसको डिटेल से कल मैं लाइव क्लास संडे की करवाऊंगी कि समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, कैसे व्यवस्थित होने चाहिए। उससे पहले एक अंतिम आपका पॉइंट रह गया है कि अधिगम को सबसे ज़्यादा उसको हम, अगर इन्हीं सभी बातों को आपको याद नहीं रहती तो 3 बात को लेके चलिए। पहला ज्ञान, दूसरी भावना, तीसरी क्रिया। 3 पॉइंट ले लीजिए, क्या लोगे? पहला ज्ञान, नॉलेज, दूसरा भावना आपकी इच्छा शक्ति, तीसरी क्रिया। क्रिया क्या है? कि कर्म, हमारे कार्य करने की शक्ति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आइए कल मिलते हैं संडे को